नहीं नहीं दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहां है एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ राजस्थान सरकार इस महामारी से लड़ने की तुलना में अपना केवल राजस्व बढ़ाने में जुटी हुई है पहले उसने शराब की दुकानें खोली और आज उन्होंने तंबाकू और गुटखे से जो बिक्री से प्रतिबंध हटाया है निश्चित रूप से वह निंदनीय है क्योंकि एक ओर तो कहते हैं थूक से पैदा होता है तो गुटखा खा करके या पान खा करके व्यक्ति थूकेगा नहीं तो और क्या करेगा इसलिए इस प्रकार का ये गुटखे और उसे प्रतिबंध हटाना ये राजस्थान की जनता के साथ अन्याय है इसको बीमारी की ओर धकेलना है सरकार की मंशा साफ नहीं होती इधर तो इसका प्रतिबंध हटा रहे हैं और उधर जो गरीब लोग हैं जो APL के लोग थे या नाई हैं धोबी हैं कमज़ोर वर्ग के लोग हैं जो घरों पे काम करने वाली बाइयाँ हैं इनकी 60 दिन तक तो इन्होंने कोई संभाल ली नहीं और अब भी जाकर के केवल अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन देकर के वाह वाह लूटने का एक प्रयत्न किया है क्या आप अपने BLO और ये सब लोग सर्वे करेंगे और सर्वे करने के बाद क्या दोगे इसका स्पष्ट नहीं सर्वे कब तक होगा सर्वे के आज BLO के पास न तो किसी प्रकार का कोई ऐप है जिसके आधार पर उसके नाम को ही वो रजिस्टर कर सके इसीलिए यह केवल एक थोथी घोषणा दिखती है इसको धरातल पर अभी भी कहीं ये व्यवहार में आती दिखाई नहीं दे रही है इसलिए सरकार से मांग करता हूँ कि वह जगे केवल केंद्र सरकार से बार बार मांग करने की तुलना में स्वयं भी तो अपने कोष से कुछ जिम्मेदारी समझते हुए राहत का पैकेज जनता को उपलब्ध कराए अतः 26 कैटेगरीज के खाते में सरकार 5,000 रुपये स्वयं डाले कर्नाटक सरकार की तरह स्थायी रूप से APL की श्रेणी वालों को भी गेहूं उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें नहीं नहीं सामाली देते हैं बड़ी बड़ी सामाली रामपुर है।